नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बांदा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन किया और मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार शुक्ला ने बताया कि कर्नाटक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बहुमत न होते हुए भी वहाँ के महामहिम राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया और बहुमत वाले कांग्रेस एवं जनता दल गठबंधन को नकार कर दरकिनार कर दिया, जो पूरी तरीके से तानाशाही की चरम सीमा को दर्शाता है। भाजपा उल्टे सीधे कार्य करके सत्ता पर कब्जा जमाए है। इसके पहले भी गोवा, मणिपुर और मेघालय में भी यही षड्यंत्र रचा गया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने भाजपा पर कई आरोप लगाए और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनाने की मांग की है। कर्नाटक विधानसभा में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का बहुमत नहीं मिला। अल्पत में रहते हुए भी केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उसका जो तानाशाही रवैया है और अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से उसे सरकार बनाने का मौका मिला है, उसमें खरीद फरोख्त का पूरा खुली छूट वहाँ की राज्यपाल जी द्वारा जो मौका दिया गया है उसका कांग्रेस विरोध करती है। और स्पष्ट रूप से कांग्रेस और जनता दल एस के स्पष्ट रूप से 117 वहां पर विधायक हैं और उनको न देकर के 104 विधायकों वाली पार्टी को सरकार बनाने का जो मौका दिया गया है वो इस विधायकों की खरीद फोक्त होगी, एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और हम यहां पर ज्ञापन देकर के महामहिम राष्ट्रपति जी से महोदय से आग्रह करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करके देश के लोकतंत्र की रक्षा